इतनी बढ़िया बात कह रहे टूरों में साहब, तो भैया ये तो मोहराग देश का अनादि काल से सेवन कर रहे हैं अपन, बिना सिखाए कर रहे हैं, और शास्त्रों में भी वही अगर पढ़ने सुनने मिलेगा तो जीव का हित कैसे होगा। इसलिए शास्त्र वाचने सुनने योग्य वही हैं जिनमें वीतरागता का पोषण हो, जिनमें श्रृंगार का वर्णन हो, भोगों का वर्णन ख्याल में है कि नहीं है। इसलिए कहते हैं शास्त्रों को भी वो अपन समझ नहीं पाते हैं, जीव समझ नहीं पाते हैं, बहुत सोच समझ के पढ़ना चाहिए ख्याल में, क्योंकि अपन को इतना ज्ञान रहता नहीं है, समझ पाते नहीं हैं। अब अपन ने वर्तमान योग के शास्त्र पढ़े मान के चलो, अब वर्तमान योग के शास्त्रों में जो कहानियाँ लिखी हुई हैं, अगर तुम उनके अभिप्राय अभी नहीं निकाल पाते हो, नहीं समझ पाते हो किस दृष्टि से लिखा है, तो पढ़ना नहीं चाहिए। क्यों? तुम अभिप्राय नहीं पकड़ पाओगे तो वहाँ छल ग्रहण कर लोगे, वहाँ विषय भोगों का वर्णन होगा तो तुम कहोगे देखो साहब ये सब ज्ञानी भी तो भोगते हैं, ये भी तो करते हैं। अरे भाई उसका वहाँ पे ज्ञानी पहले हुआ, ज्ञानी होना और उसके बाद वो प्रवृत्ति की अलग बात है। तो बिना आत्मज्ञान के अंतरंग से तो विषय भोगों का अभिलाषी है, और वहाँ वर्तमान योग का प्रमाण देता है, तो वहाँ से क्या होता है कि तू अभिप्राय नहीं समझता। वहाँ वर्तमान योग आदि के ग्रंथों में भी ये प्रयोजन नहीं है कि तुम रंग राग में रहो, तुम विषय भोगों में प्रवृत्ति करो, तुम राजा महाराजा बनो, ये अर्थ नहीं है वहाँ। वहाँ भी ये अर्थ है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना वैभव होने के बाद भी, इन जीवों ने जैनेश्वरी दीक्षा धारण करी, इन जीवों ने सम्यक दर्शन के साथ आगे बढ़े, संसार में रचे पचे नहीं, इतना सब कुछ होने पर भी ख्याल में है ना। तो इसलिए हमें पहले अपने अंतरंग में जब हमारा निर्णय मजबूत हो जाए तब हमें इन सब का अध्ययन करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं स्वरूप नहीं समझते हैं, अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, अभिप्राय नहीं समझ पाते हैं, चरणानियोग पढ़ेंगे बस क्रियाओं में लग जाएंगे। चरणानियोग में भी बहुत सोच समझ के पढ़ा जाता है, कहाँ किस भूमिका में वो बात कही जा रही है, कहाँ कौन सा त्याग करना चाहिए, ये ज्ञान नहीं है। अब बस वहाँ पढ़ा और भावुकता में त्याग कर दिया, प्रतिज्ञा ले ली, ना तो ये समझा कि हमारे अंदर अभी क्या स्थिति है, क्या कसाएँ भरी पड़ी हैं, हम ये नियम पाल पाएंगे नहीं पाल पाएंगे, वर्तमान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव योग्य है भी कि नहीं है, हमें अभी आत्मा का ज्ञान है भी कि नहीं है, हमारे अंदर से कसाएँ मिट्टी है कुछ नहीं। और वहाँ भावुकता में लिखा था इतना पाप लगता है, इतना पाप लगता है, बस छोड़ दिया। इसलिए बहुत जिम्मेदारी होती है शास्त्र पढ़ने की, और पढ़ाने वाले की भी बहुत जिम्मेदारी होती है। इस क्यों आचार्य भगवंत जिनागम में जो नयों की इतनी वैल्यू है ना, कि नए के बिना एक भी वाक्य नहीं है। आपको पता है समंत बद्ध आचार्य तो ये कहते हैं कि जैन दर्शन में नए लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, नए के बिना एक भी लाइन नहीं होती। अंत समझ में कुछ भी लिखा है उसमें कोई ना कोई नए लगा हुआ है, बिना नए की कोई बात। इसलिए नए विभाग का ज्ञान होना चाहिए। भाई हमें नयों का ज्ञान नहीं है, अथवा है तो उनका उपयोग करना नहीं जानते। इसलिए शास्त्र कोई सा भी खोल के पढ़ो और कुछ भी मानने लगो ये नहीं चलेगा, बहुत जिम्मेदारी। प्रथमान योग पढ़ो तो सोच समझ के देखो कि इसमें अभिप्राय क्या है, चरणान योग पढ़ो तो क्रिया उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि हमें पंचम स्थान वाले के लिए लिख रहे हैं या चौथे स्थान वाले, तो उसकी सीधा लिखा है इसमें इतना पाप है, इसको खाने में इतना पाप है, इसमें इतना पाप। तो ये तो अभी हमें पता होना चाहिए कि अभी हम इसमें से क्या त्याग कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इसलिए बहुत शास्त्र वीतरागता के पोषण के लिए हैं एक बात, और मैं ये बात क्यों समझा रहा हूँ यहाँ, इसलिए समझा रहा हूँ कि अपन अन्य शास्त्र तो पढ़ते नहीं, कुदेवादियों को तो मानते नहीं, उस शास्त्रों को तो अपन पढ़ते नहीं, अपन तो अपने शास्त्र पढ़ते हैं। लेकिन इसमें भी अगर तुम्हें अभिप्राय निकालना नहीं आएगा तो तुम छल ग्रहण कर लोगे। वर्तमान योग में लोग छल ग्रहण कर लेते हैं, अरे जब राजा महाराजा ये कर सकते हैं तो ज्ञानी भी थे तो हम क्यों नहीं कर सकते। अरे भाई वो ज्ञानी थे ना, पहले ज्ञानी तो हो जाओ,
ख्याल में है ना, पहले आत्मज्ञान का पुरुषार्थ तो करो, उनने आत्मानुभव किया है, वेद ज्ञान किया है, तत्व निर्णय करके बैठे हैं और वे कभी पंच इंद्री के विषय भोगों में सुख नहीं मानते। ख्याल में ना, वे संसार में कहीं सुख नहीं मानते कि यहाँ सुख मिलेगा, उनके निर्णय हैं। तुम्हें निर्णय करो तो बात बनेगी, निर्णय तो कुछ करता नहीं, इसलिए बहुत ख्याल में है ना, सोच समझ के। अब यदि कर्ण नियोग पढ़ेंगे तो वहाँ परिणामों की चर्चा आएगी, इस परिणाम से कर्म बंधेगा, इस परिणाम से कर्म बंधेगा, इस परिणाम से, तो वहाँ फिर वो परिणाम की दृष्टि करेगा, मुझे परिणाम नहीं बिगाड़ने पर। लेकिन इस परिणाम नहीं बिगाड़ने ये विधि नहीं है परिणाम सुधारने की, कि तुम वहाँ पढ़ते फिरो कि ये परिणाम से बंद होता है, इस परिणाम से बंद होता है तो कर्म बंद रुक जाएगा। नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि परिणामों की परंपरा अभिप्राय से चलती है। कैसे चलती है? और जब तुम्हारा अभिप्राय मिथ्या होगा, जब तुम्हें मिथ्या दर्शन होगा, तो परिणाम कैसे सुधर जाएंगे? इसलिए पहले सम्यक दर्शन का सेवन करना चाहिए। ख्याल में, तो शास्त्रों को पढ़ना, उनको समझना बहुत जिम्मेदारी का काम है।